एक
अगर हमें इसे पता चला ना फिर आपको हम सेनापति पद नियुक्त नहीं करते, आप सेनापति और अर्जुन एक दिन हमारे संजीव को मार रहे थे, आप सेनापति रह गए थे, पितामह भीष्म को और कल ठीक है, कल मैंने पांडव को समाप्त कर दिया, उन्होंने 5 बार मारा, कल पांडव समाप्त हो गया, अभी सारा दिन युद्ध करते 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 पांडव लोग सबके सब थके हुए रात में सो रहे, क्यों सवेरे करके युद्ध करना, लेकिन भगवान को नींद नहीं आ, भगवान को भी इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर प्लानिंग बना रही, भगवान को नींद नहीं आ रही, फिर भगवान को क्यों नींद नहीं आ रही, भक्त लोग को नींद, वो तो सो रहे चक से हैं, भक्त लोग तो आराम से सो रहे कोई चिंता, लेकिन भगवान को नींद नहीं आ रही, क्यों, भगवान ने प्रतिज्ञा किया कौनते प्रतिजानी नम्र भक्ता परिषद, बोले हे अर्जुन तो प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं, भगवान की प्रतिज्ञा है, फिर इनकी प्रतिज्ञा टूट जाए। और महाभारत युद्ध होने से पहले मैया कुंती ने पांडवों को लेकर के आए, बोले कृष्णा ये पांडवों को मैं तेरे बहवाद कर रहा हूँ, तुमको हम दे रहा हूँ, तुम इन पर रक्षा कर रहा हूँ। कृष्ण ने कहा बुरा जी भले ही विश्व ब्रह्मांड में प्रलय आ जाए, हाँ सारा दुनिया मर जाए, लेकिन तुम्हारे पांडवों का एक बाल भी बनता होने वाला नहीं, तुम्हारे पांडवों का कुछ भी होने वाला नहीं है, इसलिए कृष्ण प्लानिंग बना रहे, नींद नहीं आ रही। इतने में उन्होंने जाकर के अर्जुन सो रहा था, उनको पकड़ पकड़ कर खिलाया, फिर अर्जुन उठो अभी सोने का समय नहीं, उठो। अर्जुन कह रहे अरे क्यों उठा रहे हो, दिन भर युद्ध करते करते थक गया, रात को सो रहा हूँ, सवेरे उठ कर युद्ध करना पड़ेगा, तो फिर मेरे को उठाओ मत, बोले मेरे सोने का समय नहीं, पितामह भीष्म ने 5 पाठ बनाया और कल तुमको समाप्त कर देगा, बोले अच्छी बात है, नींद ऊपर का नींद में आ जाएगा, कृष्ण का 5 भक्त थे और मर गए, बोले यही तो बात है, यही तो बात है, मैंने प्रतिज्ञा किया मेरे भक्तों का विनाश नहीं होगा, अगर मेरे भक्त लोग मर गए तो प्रतिज्ञा सारे धरा के धरा रह जाएंगे, यही चिंता है, इसलिए उठो अर्जुन जल्दी उठो, हैं तुमने पिताजे बोल क्या करना पड़ता, ये काम करो, जिस समय तुम लोग गांवे बैठे थे उस समय ये गंधर्व लोग उसी समय दुर्योधन ने ये शकुनी दुशासन कर्ण को लेकर के तुम लोग को अपमान करके दिया, उस समय इंद्र ने अर्जुन इंद्र का बेटा है, इसे इंद्र ने गंधर्व को भेज दिया और गंधर्व ने ये दुर्योधन को बंदी बना कर ले जा रहा, उसी समय किसी ने आकर के श्री युधिष्ठिर महाराज को बोले दुर्योधन को बंदी बना कर ले जा रहे गंधर्व, उन्होंने भीम का आदेश दे बोले अच्छा होगा हमें अपमान करने के लिए आएगा ना, उनको बांध कर ले जा रहे, लेकिन उसने गया नहीं, इतने में उन्होंने अर्जुन को बोला, तब अर्जुन जा करके गंधर्व से युद्ध करके उन्होंने ऐसे बाण मारा, गंधर्व तो भाग गए और आकाश से उसे छोड़ कर सके आकाश मार गए और वो गिर रहा था, अर्जुन ऐसे बाण मारी उन्होंने एकदम सीढ़ी बना दिया और वो सीढ़ी को ऊपर दुर्योधन लुढ़कते 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 पूरा युधिष्ठिर महाराज की चरण में आकर गिरा, जब गिरा दुर्योधन तो बोला अर्जुन अगर तू नहीं होता है मेरे ऊपर बांध कर ले जाते, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, आज जो कुछ इच्छा भर मांगो, अर्जुन ने कहा समय आने पर कर सकते अभी पितामह पर जाओ, अभी समय आया केवल उससे ड्रेस मांग कर लिया, तो उसने ड्रेस मांग कर काम कर उसको पहन करके उसका ड्रेस पितामह उसको भजन करते रहे, सवेर जब उठेंगे ना तो दुर्योधन का टोन बना करके तो ड्रेस ऐसे है जो व्यक्ति वो ड्रेस पहन लेगा ना बोले वो वही है, और तो पितामह भीष्म से टोन बदला करके बोलना पितामह जी आप क्यों मारोगे पांडव का, आपका बदनाम होगा, प्रतिज्ञा किए थे जब पांडवों को मारोगे नहीं, ये 5 बार मेरे को दे तो नहीं मारा,
पांच वाहन कर लिए, अर्जुन पांच बार ले आया, ले आया तो इतने में थोड़ी देर बाद में श्री दुर्योधन पहुंचा। पितामह भीष्म बोले अच्छा हुआ तुमने पांच बार ले लिया, फिर मेरे को दोस्त लगता। बोले फिर कौन सा पांच बार, मैंने तो कोई बाढ़ नहीं लिया। क्यों, तुम सवेरे आए थे ना, सवेरे तेरे जैसे ड्रेस वाले थे। ओ अर्जुन, इसलिए मेरे से भी ड्रेस को मांग कर ली है, इसलिए यहाँ पर कह रहे विजय सखी रखी वस्तु में अनुभव किया। मतलब अर्जुन का जो श्रद्धा है कि कृष्ण हे प्रभु हर समय पर हृदय में प्रस्फुल्ल रहे, वही हृदय में प्रस्फुल्ल रहे। आप पांडवों के लिए किया नहीं किया, पांडवों के लिए आपने किया नहीं किया, सब कुछ आप पांडवों के लिए किया। इसलिए बोले सबसे ऊंची प्रेम सदाई, प्रेम जगत में सबसे बड़ी वस्तु है। इसलिए भगवान प्रेम को द्वारा जितने वशभूत हुए, भगवान और किसी को द्वारा वशभूत हुए। जब उन्होंने ये बात जो बताए ना, महाप्रभु अपने हृदय पर लिया है, बोले अभी ये ठीक है जो बोल रहे हो, ये ठीक है, ये है। बोले और आगे बोलो, बोले राय कहे दास्य प्रेम सर्वसाध्य सा, उससे जो श्रेष्ठ है प्रेम है, लेकिन प्रेम का घटा नहीं है, प्रेम की स्तर है। इसलिए कैसे प्रेम होनी चाहिए, बोले दास्य प्रेम होनी चाहिए है। दास्य प्रेम मतलब है भगवान अपना प्रभु और अपने के अपना को दास माननी चाहिए है, दास माननी चाहिए। इसलिए जब उन्होंने ये बात बताए तो उन्होंने उदाहरण दिया है, बोले जन्नाम सूत्रि मात्रेण उमान भवती निर्मल तस्य तीर्थवद किंवा तासाना अवशिष्यते। इस लोग जो उन्होंने उदाहरण दिया है कि जन्नाम सूत्रि मात्रेण उमान भवती, कि जिनका नाम केवल सुनने का साथ साथ व्यक्ति निर्मल बन जाता है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। बोले तस्य तीर्थवद किंवा तासाना अवशिष्यते, अगर उनका जो दास बन जाते हैं भैया जगत में, और जगत में उसका जगत में कुछ अपराध कर नहीं रहता, जीवन में सब कुछ नहीं, अगर वे भगवान के दास बन जाए। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भैया भगवान के दास कब बनते हैं, बोले आगे का एक गुप्त पहले मुक्ति हुए तापर हर सर्वबंधनाथ, उसको बाद में सारे बंधन नष्ट होता है, उसको बाद में जाकर कहीं भगवान का दासों का दास बनता है। इसलिए बोले दास है ना नामानी और अल्प भाग्यवानी, अल्प भाग्य दास ना ही करने वाले। जो दास शब्द है, दास मतलब क्या नौकर, अब बताओ कोई नौकर बनना चाहते हो, सारा दुनिया चाहता है मालिक बनना चाहते, हम मालिक बनेंगे, हम दास नहीं बनेंगे, हम क्या बनेंगे, हम मालिक ही बनेंगे। कहते भैया भगवान की जो दास है ना, ये साधारण भाग्य से भगवान किसी को दास रूप में स्वीकार नहीं करते। इसलिए बोले दास है ना नामा दियो अल्प भाग्य वाले, अल्प भाग्य से भगवान किसको दास रूप में स्वीकार नहीं करते, पहले सारे बंधन नाश होगा, उसको बाद में जा करके भी भगवान की दासों का दासों का दास कर सकते हैं। इसलिए वैकुंठ में, वैकुंठ में सबके सब भगवान का दास है, सबके सब वैकुंठ में भगवान का दास है, वहाँ पर केवल एक ही रस है वो दास से रस है। इसलिए वहाँ पर जितने वैकुंठवासी अपनी आप को भगवान का दास मानते हैं, यहाँ तक भी जो लक्ष्मी है वो भी मानती है मैं भगवान की दासी हूँ, मैं भी भगवान की दासी हूँ। और जितने रस है हर रस में दास भाव, हर रस जैसे उनका सत्य रस है उसमें भी दास भाव है, कहते उनको जो बात से लग रस है, मैया जशोदा दिन भर क्या करती बताओ, दिन भर मैया जशोदा क्या करती है, कृष्ण सेवा के लिए मक्खन बनाती है, दही बनाती है, कृष्ण को खिलाती है, कृष्ण को सुलाती है, कृष्ण को स्नान कराती है, कृष्ण को श्रृंगार करती है, करती है कि नहीं, उसमें भी दास से रस है।
और जो श्रृंगार रस है जो सर्वश्रेष्ठ उसमें भी कहा सकते बताओ दिन भर गोपियाँ क्या करें, दिन भर राधा है क्या करें, कृष्ण सेवा करती है, किसी लोग का नाम है राधा, राधा मतलब क्या है, जो विशेष पूर्वक कृष्ण को आराधना करते धन्यवाद, जो विशेष पूर्वक कृष्ण को जो आराधना करती है करती है श्री महाराज को कभी कभी सुना नहीं कुछ हरी कथा सुना दे समझ में चल गया इसलिए कहते राधा रानी क्या करती थी हर कृष्ण की सेवा इसलिए उनका नाम है राधा राधा मतलब देखो कृष्ण को जो आराधना करती है उनका नाम राधा है इसलिए रासलीला में जब कृष्ण की दोनों चरणों के बीच में एक छोटी सी चरण देखा तब से सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं भैया यही सखी सर्वतम रूप में कृष्ण की आराधना है इसलिए कृष्ण सबको छोड़ करके तो बोले इसको ही कृष्ण लेकर गए हैं इसको लेकर गए क्यों कि सर्वश्रेष्ठ रूप में कृष्ण की सेवा करती है ये कृष्ण की सेवा करती है इसलिए कहते श्री एक समय श्री वृषभान महाराज नंद बाबा को बड़ी मित्रता थी मित्रता भी एक समय श्री वृषभान महाराज ने नंद बाबा को निमंत्रण किया कभी नंद बाबा वृषभान महाराज को वृषभान महाराज नंद बाबा को वृषभान महाराज निमंत्रण दिया नंद बाबा पूरा परिवार कृष्ण सखा सबको लेकर के घर में आना आज पूजन इतने में आपका घर में कोई बढ़िया व्यक्ति आ रहे हैं आप क्या करो बढ़िया हो गया बढ़िया हो गया इसलिए राधा जी को दुर्वासा जी का वरदान है राधा जी का हाथ अमृत हंसता है जो कुछ वो खाना बनाएगी सब अमृत अमृत बनती है उन्होंने श्री राधा जाकर सब ले राधे आज श्री नंद बाबा अपना परिवार को साथ में लेकर के आ रहे हैं आज तुम तो तब राधा रानी की अंग कैसे उदाहरण दिया इतने कोमल अंग से राधा रानी की कहती सूर्य चंद्र का जो किरण है राधा रानी के शरीर को ताप देते इतने राधा जी के शरीर इतने कोमल है हाँ चंद्रम का किरण भी इतने ताप देता है लेकिन राधा रानी जब खाना बनाती है ना कृष्ण के लिए 15-20-40 तरफ पर आटी लगा हुआ चूल्हा है और राधा रानी जिसको बीच में बैठ करके खाना बनाती है और कृष्ण सेवा में इतने तन्मय था राधा रानी की राधा रानी को लगता है मैं तो एयर कंडीशन रूम में बैठती इतने फैली बोले क्यों मैं कृष्ण की सेवा के लिए वो कहती है ललिता जल्दी जल्दी ये खाना बनाओ निशा का कृष्ण का गोचारण करके आने का समय हो गया तुम ये कढ़ी बनाओ हाँ चंपकलता तुम ये खीर बनाओ हैं और राधा रानी क्या बनाती है एक लड्डू बनाती है उसमें काजू पिस्ता और बादाम डाल करके एकदम प्योर घी में राधा रानी के लड्डू बनाती कृष्ण लास्ट में इन लड्डू को खाते हैं इसलिए ये लड्डू कैसे बोले छाले बल्ले लाडू खाए श्री माधो मंगल बगल बजाए यार दे हरि बोल अजबा का तबा सवाल श्री गौर कृष्ण क्या करते हो लड्डू खा के ना इतने कृष्ण खुश हो जाते हैं और लड्डू खा के मधु मंगल सखा को दे देते हैं और सखा लोग लड्डू खा के ना ऐसे बड़े खुश हो गए लड्डू बनाया है और राधा रानी बैठ बैठ के दूर से देखती है जैसे आपको बढ़िया खाना बनाते आपका मुंह का भंगी भी बदल जाती है मुंह की भंगी भी बदल जाएगी राधा रानी जब कृष्ण जब खाते ना अब राधा रानी देखते खुश होते हैं मैंने जो खाना बनाया कृष्ण बड़े प्रसन्न होकर के कृष्ण भोजन कर रहे हैं भोजन कर रहे हैं इसलिए कहते राधा रानी का श्रृंगार रस लेकिन राधा रानी का जितने सारे चेष्टाएं हैं किसके लिए कृष्ण की सूत्र दास्य रस इसलिए जो दास्य रस है ये हर रस में
ये दास्य रस हर रस में रहता है, पूर्ण रूप में जो जितने रस बढ़ते हुए जाए उतना दास्य रस उसमें अंदर में उतना ही बढ़ते हुए जाए। और दास्य रस में आप बताओ, दास्य रस में किसको लिया गया है? नौ तरीका बोलते हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाठ सेवन अर्चन बंधन दास्य। बताओ दास्य रस में किसका नाम लिया गया है? किसका नाम? हनुमान जी का नाम लिया गया है ना। इसलिए कहते हैं ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। इसलिए दास्य रस में किसको लिया गया? श्री हनुमान जी को लिया गया। और हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान कहते हैं, मैं सेवक और रघुपति पति मोरे। कहते मैं कौन हूँ? भगवान का सेवक हूँ और रघुनाथ कौन है? ये मेरे पति है। ये भाव ना जाए भाव मोरे, कहते ये भाव हर समय मेरे हृदय में रहे, मैं भगवान का सेवक हूँ और भगवान मेरे सेवक है, हर समय यही भाव है। और देखो हनुमान जी दास्य रस में उन्होंने क्या किया, प्रभु की सेवा करते हैं। अगर कहीं प्रभु को जाना है ना, किसी विमान की जरूरत नहीं, हनुमान जी अपना कंधे को ऊपर श्री राम को बैठा करके जय श्री राम बोल करके भगवान को आकाश में उड़ा कर ले जाते हैं। अगर कहीं भगवान बैठे हुए हनुमान जी क्या करते हैं? अपना पूछ से उनको छाया कर देते हैं, ठाकुर जी को पूछ से उनको छाया कर देते हैं। जब भगवान के राम दरबार लगा हुआ रहता है, हनुमान जी कहाँ बैठे हुए होते हैं? हाथ जोड़ करके उनकी चरण को नीचे हनुमान जी बैठे हुए होते हैं, उनके चरण के नीचे हनुमान जी बैठते हैं। इसलिए गुरुदेव हनुमान के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी पता सुनाते हैं। इसलिए हनुमान जी एक समय सीता देवी और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने बिटी किया, सारे सेवा अकेला बैठे करता है, हमें कोई सेवा का मौका नहीं देता। मैया सीता को बोले एक काम करो, मैया सीता को बोले एक काम करो, आपका अंदर का काम सारे काम करो, और हम तीनों भैया मिलकर के बाहर का कितना सेवा कर लेते, आप अंदर का सेवा करो। बोले ठीक है। बोले हनुमान जी आओ बाहर निकलो। बोले क्यों? बोले तू सारे अकेला सेवा तू ही करते हो, हमें कोई सेवा का मौका नहीं देते। माता सीता जी अंदर का सारी सेवा करेंगी और हम सबके सब बाहर का सेवा करेंगे। हनुमान जी ने कहा देखो, हनुमान जी ने कहा देखो, मैं तो प्रभु की सेवा के मतलब रह नहीं सकता, सेवा ही मेरा प्राण है। मेरे को कहीं छोटी से कोई एक छोटी सेवा दे दो, उसी महीने मन को लगा कर रखो। बोले इसको ऐसे सेवा दिया जाए जो सेवा की कोई जरूरत नहीं है। बोले कौन सा सेवा? बोले जब जंगा ही आए ना छुट्टी, यही सेवा दे दो। बोले बाहर निकलो। हनुमान जी को बाहर निकाल दिया। हनुमान जी ने देखा पता नहीं कब ठाकुर जी को जंगाई आ जाए, इसलिए बात पहले से ही चुटकी बजाना शुरू कर दिया। अरे भगवान तब प्रेम में बसीभूत होने वाले, बस भगवान राम को तो जंगाई को बोलो जंगाई, जंगाई को बोलो जंगाई, जंगाई बदली नहीं हो। इतने में बद्यों को बुलाया, क्या हो गया? सबका सेवा बंद है, सबका सेवा ही बंद, क्योंकि स्थिर रूप में हो सुस्त रूप में तरह से सेवा करेंगे, लेकिन तो प्रभु जंगाई 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 ले रहे हैं। वैद्य को बुलाया, बोले भैया भगवान कोई तो बीमारी है नहीं। बोले हनुमान जी कहाँ है? बोले उनको बाहर निकाल दिया, वो सेवा अकेला करता था बाहर निकाल दिया। बोले वो क्या कर रहा है? बोले पहले से चुटकी बजा रहा है, वो पहले से चुटकी बजा रहा है, पता नहीं प्रभु को जब भाई आ जाए। हाँ, इसीलिए तो प्रभु जब भाई ले रहे हैं, क्योंकि भगवान भक्तों की बस में भगवान लेते हैं। बोले भैया उसका सेवा सारे वापस दे दो, भगवान की बीमारी सही रहे, बस वापस दे दे भगवान की जब भाई खत्म। इसलिए श्री हनुमान की कैसे भगवान की एकनिष्ठ श्री हनुमान जी कैसे भगवान की एकनिष्ठ सेवक रहे। इसलिए श्री जब माता सीता को लंका से वापस लेकर के आए, मैया सीता इतने प्रसन्न हो गए हनुमान के बल में। बोले बेटा जो आज
इसलिए आज तेरे को सबसे कीमती चीज दे रहा है। गले से गजपति हार को निकाल कर हनुमान को दे दे। हनुमान जी एक एक मोती को लेकर के हाथ में काट काट कर देख रहा था, देख रहा था। इतने में भैया इसलिए क्या, इसलिए तो बोलते बंदर को आदर का स्वाद क्या पता है, तुम भी इतनी कीमती चीज दिया और तुम मुंह में काट काट कर फेंक रहे हो, बल्कि क्यों फेंक रहे हो? बोले मैं देख रहा हूँ इसमें मेरे प्रभु का कोई छवि है कि नहीं, जिसमें मेरे प्रभु सीताराम की कोई छवि नहीं, हनुमान उसको धारण नहीं करता। बोले बात तो बड़ी बड़ी करते हो, तेरे शरीर में क्या राम सीता, अपने शरीर को फेंक दो। बोले देखना चाहते हो? बोले क्या दिखाओ? छाती फाड़ दियो, सचमुच से देखा उसके हृदय में सीताराम की वास है। मान गई मैया सीता, मान गई। इसलिए एक दिन मैया सीता श्रृंगार कर रही थी, सीता अपना माँ को माँ मानती, हनुमान अंदर चला गया, देखा भैया सिंदूर लगा रही थी, माँ भर रही थी। बोले भैया ये क्या है? बोले ये सुहाग का चिन्ह है। बोले सुहाग क्या होता है? बोले स्त्रियाँ पति की दीर्घायु के लिए, पति के मंगल के लिए, पति की सुस्त के लिए हैं, उसकी गौरव के लिए माता है ये मांग भरती है, सिंदूर लगाती है। ऐसे बोला हाँ, जब वो चला गया, जब भैया चली गई ना अंदर में गया, सारे सिंदूर को लेकर के सारा शरीर में पोत दिया। हाँ पोत करके राम दरबार लगा हुआ था और हनुमान जी सारा शरीर में सिंदूर को तब पहुँच गए, सारा दुनिया देख कर ठाल लगा कर हाँ कर हंस रहे थे। बोले तो ये बंदर ने क्या किया है? हाँ ये बंदर ने क्या किया है? बोले हनुमान जी प्रभु राम को तो पता है। बोले हनुमान जी तुमने ये सारा शरीर में सिंदूर क्यों बोलता? बोले प्रभु जी मैया ने सिंदूर लगा रही थी, मैंने कहा माता जी ये एक छोटा सिंदूर क्यों, यहाँ पर एक रेखा सिंदूर क्यों? बोले सुहाग का चिन्ह है, पति की दीर्घायु मंगल और उसके जस के लिए लगाते हैं स्त्रियाँ। आप तो मेरे प्रभु हैं, मैं आपका सेवक हूँ, अगर एक बूंद एक रेखा लगाने पर अगर इतने कल्याण होता है, मैंने देखा पूरा शरीर में अगर सिंदूर को दूंगा फिर तो मेरे प्रभु की विश्व ब्रह्मांड में जय जयकार है, इसलिए लगाता है। भगवान राम प्रसन्न हो, भगवान राम प्रसन्न हो गए। इसलिए जब माता सीता को उन्होंने उद्धार करके लाए, भगवान राम इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न हुए। बोले बेटा हनुमान तेरे जैसे सेवक कोई नहीं हो सकता, तेरे जैसे अगर तू नहीं होता ना मैया सीता का उद्धार होना तो कठिन था। आज तू जो कुछ मांगना मेरे से मांग लो, जो कुछ तुम्हारी इच्छा आज तू मेरे से मांग लो। हनुमान जी क्या कहते हैं? बोले बार बार पर मांगो हरसी देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसन। बोले हे प्रभु आपकी चरण में बार बार एक ही चीज प्रार्थना करता हूँ, आप सत्संग दो हैं और अनुपाय अहित के आपकी चरण में भक्ति हो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तस्य तीर्थ पद की पाता सा नाम अवशिष्य दे। जिनका नाम लेते ही ये मन निर्मल पवित्र हो जाता है, अगर उनका कोई दास बन जाए ना तो जगत में उनकी जगत में किसी चीज की जगत में अभाव कभी नहीं रह जाएगा। इसलिए बलदेव प्रभु कृष्ण से अभिन्न होते हुए भी बलदेव प्रभु क्या करे, कृष्ण का दास है, कृष्ण का दास होते करते हैं, कहते उनको दस सैनिक से बलदेव प्रभु सेवा कर रहे हैं, आसन व्यंजन पादुका छत्र उपाधन खड़ा वस्त्र अलंकार सबके सब बलदेव प्रभु की सारे के सारे सेवा बलदेव प्रभु कर रहे हैं। इसलिए ये स्वयं दास दासत्व करते हैं। इसलिए बोले ब्रह्मा शंभु अमर पति गणेशार्थ पद जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भगवान विश्व ब्रह्मांड उनकी दासत्व करता है। ब्रह्मा शंभु अमर पति मतलब इंद्र गणेश माल लक्ष्मी सबके सब प्रभु का दासत्व करते हैं, प्रभु का सेवा करता है। इसलिए कहते हो भगवान की जो सेवक बन जाता है, कहते भैया उनको जगत में किसी चीज जगत की अप्राप्त नहीं रह जाता, जगत में उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जब बोले
इतने में महाप्रभु बोले, बोले त्यागा ठीक है, भगवान की सेवक सर्वश्रेष्ठ है ये ठीक है, लेकिन आगे कुछ बात बता तो प्राय रहे सख्य प्रेम सर्वसाध्यसार, कहते भगवान की जो सखा है यदि ये सर्वसाध्यसार भगवान की सखा बने सर्वसाध्यसार बने, कहते अभी तक उनको जो भक्ति थी भगवान को मानते थे कि हमारी प्रभु उनका सेवक, लेकिन जब सख्य रस हो जाता है ना, जो सख्य रस हो जाता है वहाँ पर बराबर भाव हो जाता है, यहाँ पर बराबर भाव हो जाता है, इसलिए कहते भगवान की जो सख्य रस में कहते उनको जैसे अर्जुन भी उनका सख्य सख्य है, और उनको ब्रज में जितने उनको दाम दसुदाम सदाम कहते ये भी उनका सख्य है, लेकिन कुछ सख्य है गौरव युक्त तो कुछ सख्य है और कुछ माधुर्य युक्त तो कुछ सख्य है, हैं जैसे अर्जुन ये तो कृष्ण का सखा है, ये कृष्ण का सखा है, इतने सख्य है उनके साथ में, इसलिए एक दिन श्री नारद जी द्वारका में पहुँचे, द्वारका में पहुँचे, जब द्वारका में पहुँचे देखा कृष्ण अर्जुन एक ही स्थान लेट हुए और उसमें कृष्ण का सर का तरफ में अर्जुन का प्यार है और अर्जुन का सर का तरफ में कृष्ण का प्यार है, और कृष्ण का चरण को द्रौपदी पकड़ रही थी और अर्जुन का चरण को माँ लक्ष्मी ये स्वयं श्री रुक्मिणी पकड़ रही थी, और वहाँ पर देखा अर्जुन की रोप रोप से हैं रोप रोप से कृष्ण का नाम निकल रहा था, कृष्ण का नाम निकल रहा था, पास नारद जब गए देखा उसकी रोम रोम से कृष्ण नाम निकल रहा है, इतने में नारद जी के बिना बजा बजा कर नाचना शुरू किया है, वहाँ पर बिना बजा बजा कर नाचना शुरू कर दिया, बोले वाह भाई देखो अर्जुन के अंदर कितने भक्ति प्रभु के प्रति हाँ कितने भक्ति है जिनके रोम रोम से कृष्ण नाम निकलता है, इसलिए कहते हैं अर्जुन भी कृष्ण का सखा है, इसलिए सखा बन कर रथ वहाँ के एक साथ में बैठना एक साथ में खाना है, इसलिए श्री नारद जी कहते कहते थे गुणम परम परम मनुष्य कहते कृष्ण कौन है, कहते गुणम परम ब्रह्म ये साधारण नहीं, लेकिन वो करके क्या कर रहे हैं अपना पांडवों का अपना सखा मांग रहे हैं, सखा मांग करके उनके लिए कृष्ण सारी सेवा करते हैं, सखा मांग करते हैं उनकी सारी सेवा करते हैं, उनका दूध का भी कृष्ण काम करते हैं, शांति दूध बन करके जाते हैं, हैं और तभी पितामह भीष्म को भी द्रौपदी को भी साथ में लेकर के बोले चलो पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की पांडवों को मारने के लिए, इसलिए तुम एक काम करो, उन्होंने दुर्योधन जब उनको बताया आप तो पांडवों को मार नहीं रहे हो हाँ हमारा संकेत को मारते जा रहे हैं, बोले तुम्हें एक काम करना तुम अपना पत्नी भानुवती को कल सवेरे लेकर खा लेना, हाँ भानुवती को लेकर कहा था ना मैं जब भजन से उठूंगा भानुमती तुम्हारी पत्नी को आशीर्वाद दे दूंगा, अखंड सौभाग्यवती बन जाओ, तुम अखंड सौभाग्यवती बन जाओ, अगर पत्नी अगर अखंड सौभाग्यवती बन गई पति नहीं जाने, लेकिन ये बात कृष्ण को पता है, इतने में कृष्ण ने ऐसे माया दिलाई ना इतने मुसलधार से बारिश होने लगा दुर्योधन ने सोचा भैया जाओगे सर अभी तो जा ही नहीं सकता भाई बाद में मैं कल चला जाऊँगा, कृष्ण आए द्रौपदी को बोले द्रौपदी जल्दी जल्दी चलो, बोले प्रभु इतने देर से बारिश ही हो रही है कहाँ निकले जाने को, बोले बात मत कर मेरे साथ में चलो, इसलिए उन्होंने रथ में बैठा करके द्रौपदी को ले गए और शिविर कुछ बाहर खड़े हो गए, बोले तुम्हारी जुत्ती मेरी को दे दो, तुम्हारी जुत्ती मेरी को दे दो, क्योंकि जुत्ती से पता चल जाता भैया जुत्ती किसका है, कृष्ण बगल में दबा दिया उनकी जुत्ती को, बोले तुम जाओ जब पितामह भीष्म अपना घूंघट सा ज्यादा खींच लेंगे और पितामह भीष्म जब भजन से उठेंगे तो तुम्हें आशीर्वाद देंगे अखंड सौभाग्यवती को, और उसको बाद में फिर घूंघट को निकालना है, बोले पितामह भीष्म आपने जो वरदान दिया इसका आपका ख्याल रखना पड़ेगा, तभी तुम्हें अखंड सौभाग्यवती बनी रहूंगी जब मेरे पति जिंदा रहेंगे ना, तो उन्होंने अपना भजने से उठे आज बोले अखंड सौभाग्यवती पावन
इतने में द्रौपदी ने प्रकट हो गई। बोले तू कहाँ से आ गई? मैं तो बताया था दुर्योधन को भानुपति को लाने के लिए, तू कहाँ से आ गई? बोले पिता विस्मृति, आपने मेरे को आशीर्वाद दिया इसलिए ये वरदान आपको रक्षा करना पड़ेगा। बोले तेरे साथ और कोई आए? बोले हाँ वही डटकट आया, वह डटकट काले कंगे आया। बोले तो मैं यही सोच रहा हूँ ये आया कैसे, ये आई कैसे? बोले देखो उसकी इच्छा के बगैर ना एक पता भी नहीं होता, उसकी जो इच्छा हो। इसलिए भगवान यहाँ पर जो कृष्ण सखा बन करके ये पांडवों के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, सब कुछ उन्होंने पांडवों के लिए किया सखा बन करके। इसलिए गुरुदेव कहते हैं इंद्र कृष्ण का सखा है क्योंकि ये गौरव भाव ऐश्वर्य। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते हैं, इसलिए जिस समय अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था, बोले ये इनको मार करके क्या हुआ, सब आपके सज्जन ही भाई बंधु हैं, खून से सने हुए राज्य को लेकर कोई जरूरत नहीं, मैं तो भिक्षा मांग कर खा लूंगा, मेरे को युद्ध करने का जरूरत नहीं। इस समय में कृष्ण ने जब उन्हें विराट रूप दिखाया, अर्जुन देखो मैं कौन हूँ, तू सोच रहे थे तू युद्ध करोगे, तेरे को युद्ध करने का जरूरत नहीं, पहले से ही उनको मैंने मार करके रखा है। देख लो जब उन्होंने विराट रूप दिखाया ना, अर्जुन थर थर कांपने लग गया, उनको थर थर कांपने लग गया, कृष्ण का चरण में गिर पड़े। बोले प्रभु मेरे अपराध हो गया, आप तो विश्व ब्रह्मांड का मालिक हो, आपको मैंने सार्थ बना दिया, आपको आदेश देता हूँ, एक बिस्तरा पर खाता हूँ, एक साथ में खाते, प्रभु मेरे अपराध हो, उनको थर 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 कांपने लग गया। हाँ कहते यहाँ पर तो सख्य रस है, लेकिन जो सख्य रस है ना, अगर भगवान की विभूति को देखे ना, छह की जो सख्य रस नीचे उतर आती है वो दास्य रस में आ जाती है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ सख्य रस है कहाँ पर है, यदि ये ब्रज में, ये ब्रज में। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, बोले कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए करे कृष्णा क्रीडा रहे। कहते ब्रज में सखा कैसे है, सखा कैसे? तो देखो ये खेल में जो हार जाएगा ना, जो हार जाएगा उसको कंधे पर ले, कंधे पर लेकर के भाटिल भट्ट से उनको माठ गांव से भाटिल भट्ट तक ले जाना पड़ेगा। अभी खेल में अभी कृष्ण हार गए, पहले कृष्ण हार गए, बोले कन्या घोड़ा बन, हम घोड़ा बनकर ले चल, कृष्ण के मैं घोड़ा नहीं बनता, बोले घोड़ा नहीं बना तो बोले नहीं ले सका उसको अकेला कर, इससे कोई बात नहीं करना, कोई इससे बात नहीं करना है। पहले जब हम हार गए हमारे कंधे पर बैठ गया, अरे अपना बारी आ गया हम कंधे में नहीं लेंगे, अलग कर दे उसको, तो बात नहीं करना। कृष्ण कहते नहीं 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 ऐसे मत करो, मेरे को अकेले मत दे, क्या करो मैं कंध में घुरा लू लगड़ा भर बस। उन्होंने सखाओं को उन्होंने कंधे पर बैठा करके भगवान ले जाते, इसलिए सखा कंधे पर चढ़ते हैं और चढ़ाते हैं है? इसलिए गुरुदेव कथा सुनाते थे रमण ऋतु में, एक दिन कृष्ण सीता के साथ में युद्ध कर रहे थे है, युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते करते इतने में सीता ने क्या किया, कृष्ण को पछाड़ दिया। जब पछाड़ दिया इतने में कृष्ण ऐसे चीत खा कर पड़े हुए सीता को छाती गोबर में है, छाती गोबर कन्या तेरे को मैंने हरा दिया। बोले मेरे को कैसे हरा दिया? बोले तो तेरा पीठ चीत हो गया ना, पीठ नीचे लग गया। बोले नहीं मैंने हारा नहीं तुमने हार गया। बोले कैसे? बोले किसका नाक ऊपर करो, किसका नाक ऊपर मेरा नाक ऊपर रख देते ना, तेरे नाक को नीचे करा दो। बोले मेरा नाक ऊपर और तेरा नाक नीचे है, इसलिए मैंने हारा ना तुमने हार गया है। इसलिए कहते कृष्ण सखाओं के साथ में क्रीड़ा करते करते कृष्ण सखाओं को कहते बोले चढ़ता चढ़ाते चढ़ाते। इसलिए कृष्ण सेवक कृष्ण कराए आपका भी सेवक। इसलिए कभी कभी कृष्ण भी सखाओं को सेवा भी कभी कभी कृष्ण करते हैं और सखाओं को साथ में कृष्ण, जैसे कभी कृष्ण सो रहे अभी कृष्ण सो रहे, अभी सूर्योदय हो गया, अभी उनको जाना पड़ेगा कहाँ पर, उनको जाना पड़ेगा गैया चराने के लिए। इतने में सखा लोग आकर कहते बोले कन्या क्या कर रहा है? बोले अभी तो कृष्ण सो रहा है। बोले अभी भी वो सारा सो रहे हो? इतने में सखा लोग जा मैया करके भी उठा होगा तुमको है,
उठा कर, इसलिए क्योंकि कृष्ण है रात भर तो रास रचाते हैं गोपियों के साथ में, रास करते हैं और आ करके सदर सदर सोते हैं। अब इतनी कितना जल्दी कैसे खुलेगी, नहीं है इतनी जल्दी नहीं खुलेगी, इसलिए कृष्ण सो रहे हैं। इतने में सखा लोग आकर के कृष्ण पेट के ऊपर सो रहे हैं, भैया कहते इतना जल्दी मत जगाओ हैं, अभी सो रहा है। लेकिन सखा लोग क्या करते बिस्तर के ऊपर चढ़ जाते, बोले अभी तो सो रहा है, देख सूर्य कितना उठना सूर्य उदय हो गए, आज हम बड़े दूर तक जाना है ना, हाँ भैया चला दूर बहुत दूर तक जाना है ना, इसलिए उठो अभी हाँ, अभी तो वो सो रहे। कृष्ण को जोर जबरदस्ती कृष्ण को जोर जबरदस्त कृष्ण को उठा लेते हैं और कृष्ण को उठा करके चलो भैया चढ़ाने के लिए चलो, इसलिए कृष्ण को भैया चढ़ाने के लिए ले जाते हैं और ले करके जैसे कोई उनको मीठा फल मिल गया सखा उनको हाँ, कोई मीठा फल मिल गया, मीठा फल मिल गया तो पहले सुबह खा लेते हैं, खा करके बोले कन्हैया बड़ा मीठा फल है, बोले तू क्या अकेले खाएगा मेरे को नहीं दो, इतने कृष्ण उसको झूठने को खाते हैं। जैसे पेड़ के ऊपर में कोई फल लगा हो आप देखा ना, जैसे गोल एक चक्कर उसको ऊपर और एक चक्कर अपना मटकी फोड़ते हैं ना मटकी, ऐसे करके सखा लोग क्या करते हैं हैं, कृष्ण नीचे और एक सखा ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ करके पहले तो फल को तोड़ लिए, पहले तोड़ कर पहले खा लेता है, खा करके ये फल बड़ा मीठो फल है, फिर उसको नीचे देता है, उसको नीचे व्यक्ति खा लेता है और उसको नीचे सखा को भी खा लेता है। और कृष्ण के पास में जो बसती है ना उसको बुटली बसता है कृष्ण ने और कृष्ण उसको चार करके खा ले, बड़ा मीठो फल है हाँ, ये फल बड़ा मीठो फल है। इसलिए कृष्ण सखाओं के साथ में ऐसे सख्य रस को कृष्ण आस्वादन करते हैं सख्य रस को, इसलिए सखाओं के साथ में कृष्ण खेलते खेलते बस बैठक रूप में जैसे बैठक जैसे छलांग लगाते हैं, छलांग लगाते हैं और मोर जैसे पंख खोल देता है, ऐसे पंख खोल देते हैं, घोड़े जैसे चलते हैं, ऐसे घोड़े जैसे चलते हैं है? इसलिए कृष्ण सखाओं के साथ बड़ी सुंदर सुंदर क्रीड़ा करते हैं। अगर कृष्ण अगर थोड़ी सी आगे चले गए ना कृष्ण सखा लोग देखो कन्हैया को कौन कन्हैया को जाकर पहले सबसे पहले कौन स्पर्श करना है, फिर सखा लोग भागते हुए जाते हैं, बोले कन्हैया को पहले हमने स्पर्श किया है, कृष्ण को पहले हमने स्पर्श किया है। इसलिए कृष्ण सखाओं को साथ में ऐसे सखाओं को साथ में जैसे है जैसे सखाओं के साथ में एकदम सखा रस बन करके कभी परास्त हो जाते हैं, कभी स्वयं हार जाते हैं, कभी दूसरे को हरा देते हैं। जैसे कृष्ण बैठे बैठ तो इतने में एक सखा है बोले तू बैठा एकदम पास में बैठ बोले सर खड़ा है सर ले जा और उसको पास में बैठ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर कहते हैं जो सख्य सख्य रस में श्री कृष्णदास कविराज स्वामी कह रहे हैं कहते कांधे चढ़ाए करे क्रीड़ा रंग कृष्ण सेवे कृष्ण कराए अपन सेवन है। इसलिए कभी कृष्ण को सेवा कराते करते हैं और कृष्ण को कभी अपना सेवा कराते गुरु रस में है, जैसे ब्रज में भी सख्य है कहते सख्य रस, अयोध्या में भी सख्य रस है हैं कहते अयोध्या में भी सख्य रस है, लेकिन अयोध्या में सख्य रस कैसे है कि जैसे भगवान राम जिस आसन पर बैठते हैं हैं जिस आसन पर बैठते हैं आप कहना चाहते हो सुग्रीव उनका सख्य है हैं, सुग्रीव उनका सखा है, विभीषण भी उनका सखा है, मोह का चंडाल भी उनका सखा है, लेकिन आप देखना भगवान जिस आसन पर बैठते हैं ये लोग भगवान को बराबर आसन पर नहीं मतलब भगवान को साथ में नहीं बैठ सकते, उनको तो देते हैं मर्यादा देते हैं लेकिन वो अलग आसन पर बैठ गए, भगवान राम के साथ में ये बैठ नहीं सकते, भगवान राम के साथ में नहीं बैठ सकते। लेकिन जो ब्रज का जो सख्य है एकदम शुद्ध सख्य है एकदम प्योर सख्य है ये ब्रज का सख्य है। इसलिए यहाँ पर एक श्लोक को उठा करके बोले इत्थम सतां ब्रह्म सुखान भूत्या
दास्य गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरतारकेन सार्थं विग्रहो कृत पुण्यपुञ्जं। कहते इन लोगों ने, सखा लोगों ने ऐसे कौन सा उन लोगों ने सौभाग्य किया है जिसको ब्रह्म ज्ञानी, जिसको ब्रह्म मानते हैं, दास्य लोग जिसको प्रभु मानते हैं, लेकिन जो माया आश्रितानां, जो माया में जो बसे हुए है उनको अपना प्रभु मानते हैं, लेकिन ये सखा लोग, इन लोगों ने ऐसे कौन सा पुण्य किया है जो भगवान को अपना सखा मानते हैं, है? भगवान अपना सखा मानते हैं, इसलिए इन लोगों ने ऐसे कौन सा पुण्य किया है। लेकिन जब उन्होंने ये सख्य रसों में वर्णना की, इसको सुन करके महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। महाप्रभु सख्य रस को बोले यह उत्तर, अभी तक बोल रहे थे यह हाय, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर आकर कह रहे हैं, कहते ये अभी तुमने ये जो बात बताई ये उत्तम है, है? उत्तम क्यों? जहाँ पर भगवान को प्रेम को तरह इतना पसंद कर दिया, जहाँ पर भगवान अपना भगवत को भूल करके, है? भूल करके जिनका झूठन खाते हैं, कंधे पर चढ़ाते हैं, उनका अपना सखा मानते हैं, है? सखा मानते स्वयं कृष्ण हार जाते हैं जिनकी वशीभूत होकर के, इसलिए यहाँ पर बोले यह उत्तम। जब उत्तम बोले और आगे की बात बता तो कहते राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्वसाध्य साध, बल इससे जो श्रेष्ठ है कहते ये वात्सल्य प्रेम, इससे श्रेष्ठ वात्सल्य प्रेम। कहते वात्सल्य प्रेम में क्या होता है, सख्य प्रेम में तो वहाँ बराबर मानते कृष्ण और हम एक ही है, इसलिए कहते ना तुम्ही कौन बड़े लोग तुम्ही आमी सब। सखा लोग कहते हैं श्रीदाम कहता है कन्या तू किसी जी बड़े बता, तेरे को तो लड़ाई करते करते हम ही तेरे को पहचान देते हैं। और दूसरी बात है पैसा भी, तेरे पिताजी कितने गया नौ लाख, बोले मेरे पिताजी 11 लाख दे बता, तू बड़ा हुआ ना मैं बड़ा हुआ, इसलिए तो हम बराबर है बराबर। इसलिए कभी कृष्ण ने कहा हमने गिरिराज उठाया, बोले गिरिराज तुमने उठाया, तेरे में क्या हिम्मत तू गिरिराज उठाओगे, इसलिए गिरिराज तो हम लोगों ने सब डंडे लेकर के ना जब तुमने हाथ उठाया था, तेरे अंदर में क्या शक्ति था गिरिराज उठाते, हम डंडे लेकर उसमें टिका दिया था, हम डंडे लेकर टिका कर रखे थे इसलिए तो गिरिराज उठा लिया था, तेरे में क्या हिम्मत है तो गिरिराज उठाओगे, हाँ इसलिए तेरे में कोई हिम्मत नहीं गिरिराज उठाने का, हमने गिरिराज हमने उठाई है। इसलिए वहाँ पर कभी कभी ऐश्वर्य देखने पर भी ब्रज में ऐश्वर्य पूर्ण रूप में है, इसलिए अगर कोई ऐश्वर्य देखते हैं जैसे कृष्ण प्रकाश कुमार मार करके जब आएगा घर में यार तो सखा लोग क्या कहते हैं, बोले भैया भैया कन्हैया ने एक बहुत बड़ा सांप मार दिया, कन्हैया ने एक बगुले को मार दिया, इसलिए सखा लोग कहते हैं बगुले और सांप मारना तो बढ़िया बात थोड़ी, हम भी तो बगुले को मार सकते, हम भी सांप को हम भी मार सकते हैं। इसलिए वहाँ पर कृष्ण ऐश्वर्य दिखाने पर भी कभी कभी ये सखा लोग मारते हैं, ये लगता है कृष्ण ना कुछ जादू अपना तरफ चढ़ जाता है, हाँ जादू जैसे बतावा जैसे जैसे वहाँ पर अग्नि लग गया चारों तरफ आग लग गया, सखाओं ने कृष्ण को पुकार कन्हैया हमें बचाओ, इतने में कृष्ण प्रकट हो गए, कृष्ण ने देखा उस दिन पहले मिट्टी खा लिया था, अरे सखाओं ने मैया से शिकायत कर दिया, तेरे लाला ने मिट्टी खाई, अब पता नहीं मैया ने मेरे सीता कहाँ आ गई, हैं बोले चोर छुट्टे अपवित्र तुमने आज मिट्टी खाई और उसको बाद में फिर तो क्या ब्राह्मण को बुला करके आई और गुरुओं का मंत्र पढ़ा करके सर सर को बड़े छिड़काव करवाए, काली गैया का पुष्ट से झाड़ा लगवाए, पता नहीं मैया क्या क्या, अगर यहाँ पर अगर अग्नि पान कर लो ना आग पान कर लो, अरे बोले पता नहीं क्या नहीं आग पान कर लिया, पता नहीं फिर भैया क्या क्या करते रहे, इसलिए बोले एक काम करो तुम लोग आग बंद करो। मेरे सखा ने सोचा हाँ लगता है कृष्ण को ना कोई मंत्र मंत्र पता है, लेकिन मंत्र को तो एकाद में बोलना पड़ता है ना,
इसलिए हम आंख बंद करेंगे ना क्या होगा, कृष्णा वही मंत्र मंत्र पढ़ते कि आंख बच जाएगी। इसलिए सखा ने मंत्र पढ़ सखा ने आंख बंद किया तो कृष्ण ने पूरा अग्नि को निभा है। इसलिए वहां पर कृष्ण का ऐश्वर्य दिखाते हैं ब्रज में, लेकिन ना वहां पर इतने वहां पर प्रेम की इतने प्रबलता है जहां पर ऐश्वर्य दिखाने पर भी सखा लोग कृष्ण कोई भी भगवान को गुण नहीं मानते। यदि यहाँ पर सखा है यहाँ पर दोस्त है, लेकिन उसको ऊपर में बताए जो बात्सल्य प्रेम है उससे, लेकिन बात्सल्य प्रेम में क्या होता है, सख्या प्रेम में तो बराबर हो, लेकिन बात्सल्य प्रेम में यहाँ पर भगवान छोटे हो जाते हैं और वहां पर जो भक्त हो जाते हैं बड़े भक्त हो जाते हैं। जैसे मैया जो सदा है, मैया जो सदा क्या मानती है, ये मेरे लाला है, जब तक मैं नहीं खिलाऊंगी लाला कहाँ से खाएगा, जब तक मैं नहीं पहनाऊंगी ये तब तक पहनेगा क्या, जब तक मैं नहीं सुलाऊंगी ये कहाँ सोएगी है। इसलिए कृष्ण मेरे बालक है, मैंने उनको पालन करने का लगते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान हो गए छोटे और भक्त क्या हो गए, भक्त हो गए यहाँ पर बड़े हो गए भक्त। इसलिए यदि भगवान वात्सल्य प्रेम में इतने वसी होते हैं, इतने वसी होते हैं, यहाँ पर उन्होंने दो तीन श्लोकों को उन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया है। बोले नंद की अक्रोध ब्रह्मा ब्रह्मण श्रेय एव महोदय जसोदा च महाभागा पपो जसोस्तनम हरि। यदि भैया ये नंद बाबा ने ऐसे क्या उन्हें पुण्य किया है, ऐसे उन्होंने क्या श्रेय मतलब उन्होंने ऐसे क्या अच्छा काम उन्होंने किया है, और मैया दशरथ भी ऐसे कौन सा अच्छा काम किया है जो भगवान होकर के जिनकी स्तन को दान किया है भगवान, क्या ऐसे पुण्य किया। तो यहाँ पर टीकाकार लोग कहते हैं लेकिन इन्होंने कोई पुण्य नहीं किया, इन्होंने कोई पुण्य नहीं किया है, नंद दशरथ कोई पुण्य नहीं किया, बल्कि मैंने क्या किया है, कहते ये तो भगवान की नित्य बहता है, फिर पुण्य कौन किया है, कहते द्रोण और राम सुतर जो कल बोल ऐसे विषय पर सृष्टि सुतवा द्रोण और धरा, ये द्रोण और ये धरा ने क्या किए, ब्रह्मा की कठोर तपस्या, जब तपस्या की ब्रह्मा जब संतुष्ट हो गए बोले ब्रह्मा को स्वाभाविक रूप में जैसे एक माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है, भगवान जैसे हमारे गर्भस्थ आए जैसे स्वाभाविक रूप में पिता माता बच्चे को शासन करते हैं खिलाते पिलाते हम भी कैसे भगवान को प्रेम करें, तो बोले उन्होंने तथास्तु बोल दिए, उन्होंने तथास्तु बोल दिए। इसलिए यहाँ पर गुरु जी कहते हैं कहते भैया ब्रह्मा इनको क्या वरदान देगा, ब्रह्मा क्या वरदान देगा, ब्रह्मा में क्या हिम्मत है जो कि नंद और जसोदा को वरदान देंगे। इसलिए जब कृष्ण के बछड़े सखाओं को ब्रह्मा जी ने चोरी की, जब ब्रह्मा जी को पता चला कृष्ण कौन है, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, हाँ ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं प्रभु भगवान को बताओ क्या चाहते, क्या सखा सखी बनना चाहते हो, नहीं नहीं हम इतना कहाँ सौभाग्य किया, बोले ब्रज का कोई पशु पक्षी बन गया, बोले ये नहीं हम भी इतना कोई पुण्य नहीं किया, बोले बोले जहाँ पर ब्रज का बाहर छोटे जाति के लोग रहते हैं उनको घर के सामने हम पत्थर जन्म हो जाए, अगर वो अगर हमें पत्थर मांग करके अपना चरण रगड़ेंगे ब्रज के बाहर छोटे जाति तभी मैं अपना जीवन को धन्यवाद करूँ। कहते वो जो पत्थर जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते ब्रज का बाहर में, कहते भैया इन्होंने क्या फिर वरदान देंगे नंद जसोदा को, नंद जसोदा को वरदान नहीं है, इन्होंने द्रोण जो धरा है ना जो द्रोण धरा है इन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना की थी, ब्रह्मा जी जब इनको वरदान दिया ये दोनों ने आकर के नंद जसोदा को मिल करके वो बात्सल्य रस को ने आस्वादन किए हैं। इसलिए कहते इन लोग ने ऐसे कौन सा पुण्य किया है जिसको भगवान सारा दुनिया को भगवान माया से बांध करके रखे, लेकिन मैया क्या करती थी कृष्ण को फल प्रदान करती, सारा दुनिया की कान पकड़ करके भगवान उठाते बैठाते, लेकिन जब कृष्ण मिट्टी खाते मैया क्या करती है सीधा जाकर कान पकड़ती है,
मित्र गंधा बच्चा मिट्टी खाते हैं, कहते भैया कहते ना नाम अपवित्र पवित्र बा, उसके बाद में बोलो नाम अपवित्र पवित्र बा सर्वावस्था गंतो अमिनो। आप लोग भी आचरण नहीं करते ना, आचरण नहीं करते जस मरे पुंडरी काख्यम सब आया अगर परिस्थिति। मैंने जब हरिनाम दिया था एक पेपर दिया था हमको आचमन करने के लिए, कोई आचमन से आप नहीं करते, इसलिए आपको कोई स्लोग याद नहीं, आचमन नहीं करते नहीं करते। नम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतो विवा जस मरे पुंडरी काख्यम सब आया अगर परिस्थिति। रोज देखो नाम दो कर तिलक लगाना, तिलक लगा कर ये आचमन मंत्र रोज बोलनी चाहिए, ठीक है ना। आचमन मंत्र इसके बगैर पवित्र नहीं हो सकते। बोले जिनका नाम लेने पर बाहर भीतर से पवित्र हो जाते हैं, भैया के तो अपवित्र गंदा बच्चा है, इसलिए कान पकड़ती भैया तो सुधा। नंद बाबा बोलते हैं बोले कृष्ण मेरे थोड़ा खड़ाव को ले आओ। कृष्ण ठुमुक 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 कर जाते हैं, कहते खड़ाव का हाथों में नहीं, कहते खड़ाव का सर पर रख करके पानी ले आते, पानी किस तरह से कहते खड़ा को सर पर रख करके नाचते नाचते ले आते। नंदा बाबा सोचते ही देखो मेरे लाला कितने अच्छे हैं, मैंने कहा खड़ा लाने के लिए वो हाथों में नहीं सर पर रख कर ला रहा है, मतलब बेटा जब बड़ा होगा ना पिता माता की खूब सेवा करेगा, पिता माता की ये बड़ी सेवा करेगा। इसलिए कहते हैं श्रुति पितरे स्मृति पितरे भारत मन्य भव पिता अहम तो नंदम बंदे चालीते परम ब्रह्म। कहते भैया अगर कोई श्रुति को कोई पूजा करे, स्मृति को कोई उपासना करे करे वो करते रहे, लेकिन तभी सिर्फ नंद जसोदा को मैं प्रणाम करता हूँ, नंद जसोदा को मैं पूजा करता हूँ। बोले क्यों? बोले जस चालीते परम ब्रह्म। लेकिन जिसको वेद पुराण उपनिषद जिनको स्तुति करते हैं, इसलिए देखो ये जो कृष्ण है वो क्या कर रहे हैं, जैसे नंद बाबा के आंगन में घुटन पर है, अपना घुटन पर भगवान चल रहे हैं, अपना घुटन पर चल रहे हैं। इसलिए हम तो नंद जसोदा को वंदना करते हैं जिसके आलिंगन में वो परम परम होते हुए भी किसी आंगन में कृष्ण किलकार मारते हुए खेलते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज उपसाम जन्मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। कहते कृष्ण कौन है? कहते ये पूर्ण है, ये ब्रह्म है, ये सनातन है। लेकिन ये पूर्ण ब्रह्म सनातन होते हुए भी देखो ये ब्रजवासियों ने इसे क्या किया है, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन होकर के बोले अहो भाग्यम। अहो मतलब जैसे कोई बहुत बड़े आश्चर्य चीज को देखते हैं ना, हम कहते भैया क्या आश्चर्य है। इसलिए ब्रह्मा जी ये ब्रजवासियों का सौभाग्य को देख कर, नंद जसोदा के सौभाग्य को देख करके कहते भैया इनकी क्या सौभाग्य है, इन लोगों ने इसे क्या सौभाग्य किया है जो पूर्ण ब्रह्म सनातन है, जिनकी बेटा उठ गए और जिसको कृष्ण को शासन करते हैं, कृष्ण को शासन करते हैं, उखल में पान देते हैं, चोर छुट्टी बोलते हैं, अगर कभी कन्या मक्खन खाए तो चोरी किया था सखा ने शिकायत कर दिया है, इतने में भैया कह के लाला तुमने मक्खन खाया तुमने, कृष्ण डर से कह देते हैं क्या है, बोले मैया मोरी मैंने मक्खन खायो सुन मैया मोरी मैंने माखन खायो। इसलिए कृष्ण डर से बात को कह देते हैं। इसलिए यहाँ पर और एक श्लोक छोटे से लिख दिया भागवत ने, बोले नेम विरिंच न भाव नारप्य अंग संशया प्रसादम लेभिरे गोपी जब तत् प्राप्य गोपी मुक्तिता। यहाँ पर कहते हैं कहते जो सौभाग्य को नेम विरिंची, बोले जो सौभाग्य को ब्रह्मा को भी जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, बोले ब्रह्मा
जाति को उनसे बड़े श्री शंकर जी कहते जो सौभाग्य श्री शंकर जी को भी जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। पहले शंकर जी की बात छोड़ दो, कहते रक्त अंग संशय उनकी बख्या स्थल में जो बैठी होगी लक्ष्मी, यदि लक्ष्मी को भी जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुई प्रसाद को भी सौभाग्य कितने प्राप्त की बोले भैया यशोदा ने, भैया यशोदा ने को सौभाग्य को प्राप्त किया है भगवान, मैंने यशोदा ने किया उन्होंने तप किया है इसलिए क्या उसने इसे पुण्य किया जो सौभाग्य को भैया यशोदा प्राप्त करती है भगवान को गोद में लेकर के आलोक माता है बच्चे करने दिए मैया क्या करते बच्चे को गोद में लेकर के सोती है भगवान को गोद में लेकर सोती है उनका स्नान कराती है कपड़ा पहनाती है उनको भजन करवाती है बच्चे को भजन करवाती है हैं कितना लालन पालन करती है माता जी बच्चियों को और भगवान अगर बच्चे बैठे के आए हैं इसलिए यहाँ पर इसमें तारण भक्स इसमें तारण भक्स कृष्ण अगर तुम गलती कर दिया तो उसको माँ जो सुधा उसको शासन करती है। एक समय से नंद बाबा अभी कृष्ण बलराम को गोद में लेकर के भोजन करा रहे एक तरफ में दाऊ भैया एक तरफ में कृष्ण कन्हैया कढ़ी चावल एक और कृष्ण को खिलाते हैं एक और दाऊ भैया को और एक और खुद खाते हैं। इतने में खाते समय एक बार क्या हुआ नंद बाबा की हरी मिर्च खा रहे हरी मिर्च इसको चावल का अंदर ना हमें छुपा कर रखे थे क्योंकि बच्चे लोग खा लेंगे तो अभी हम छोटे बच्चे हैं। नंद बाबा क्या करते थे कभी कभी इनकी नजर को बचाते हुए बच्चों का नजर को बचाते हुए एक दांत में काट देते और चावलों के अंदर में छुपा देते। इतने में कृष्ण ने देखा भैया पिताजी कोई चीज हमसे छुपा कर अकेले खा रहे लगता है कोई बढ़िया चीज होगा तभी अकेले अकेले खा रहे। ताऊ भैया बोले ईशान करते बताओ देखो पिताजी कोई एक चीज को हमसे बचा कर नजर बचा कर खा लेते तो चावल में छुपा रहे हैं इसलिए देखो तो इतने में ताऊ भैया ईशान क्या पहले भैया एक नटखट काम मेरे नहीं एक नटखट काम तेरा है तू कर। इतने में कृष्ण ने सोचा तू बढ़िया चीज खा रहे सर उन्होंने पिताजी पर नजर बचा दो ना सीधा निकली और मुंह पुराना निकली लेकिन वो तो मिर्च थी जब उन्होंने चिबा खाए ना मुंह तो जलने लग गया कृष्ण तो फिर नाचना शुरू कर दिए कृष्ण पर नाचना शुरू कर दिए। तब से नंद बाबा ने प्रतिज्ञा की आज से वो कभी हरी और मिर्च नहीं खाता हाँ इसलिए अब बड़े बड़े मंदिर में कहीं जाओगे ना जहाँ पात्सल रस में सेवा होती है वहाँ ठाकुर को कहीं मिर्च को भी नहीं लगता ठाकुर को मिर्च नहीं लगा सकते अब नाथोदार में जाओ कोई मिर्च नहीं जगन्नाथ में जाओ कोई मिर्च नहीं भोग लगता है उनको मिर्च भोग नहीं लगाते। इसलिए एक समय नंद बाबा उन्होंने सालग्राम को रोज अभिषेक करते अभिषेक करके उनको स्नान करा के उनको सिंहासन ऊपर रख दिया लड्डू भोग लगाए भोग लगाकर आँख बंद करके गोपाल मंत्र जप कर रहे थे। इतने में कृष्ण ने सोचा शायद कोई गुलाब जामुन होगा सालग्राम का गुलाब जब कृष्ण था अपने मुँह में डाल दिए तो नंद बाबा जो आप खोले बोले भैया ठाकुर जी कहाँ है ठाकुर जी है नहीं बोले अभी तो मैंने सिंहासन में मैंने बैठाया ठाकुर जी कहाँ थे यहाँ तो कोई है नहीं अब कृष्ण तो छोटे बच्चे हैं। नंद बाबा इधर उधर देख रहे भैया ठाकुर जी कहाँ गए इतने में देखा कृष्ण का जो मुँह है ना खुला था बोले ये क्या इतने में नंद बाबा कृष्ण को मुँह में अंगुल डालते हुए सचमुच से कृष्ण को मुंह कह दे भगवान अगर कृष्ण अगर उसको निगल लेता तो क्या परेशानी हो जाती ठाकुर ने बचा दिया लाला को बचा दी। फिर मैंने दो बार ठाकुर जी को उन्हें अभिषेक कर दिया इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते जो सौभाग्य को शंकर ब्रह्मा लक्ष्मी को भी जो सौभाग्य प्राप्त नहीं है कहते ये सौभाग्य किसको प्राप्त होता है श्री नंद जसोदा को वो सौभाग्य प्राप्त होता है। कहते इन लोगों ने किया उन्होंने ऐसे तप किया है भगवान ने की बात्सल रस में वशीभूत होकर के भगवान की बात्सल रस को उन्हें स्वीकार करते हैं। जब उन्होंने ये बात को बताया ना इतने में महाप्रभु तो बड़े खुश हो गए बड़े खुश होकर के महाप्रभु ने
ये बात को बताए प्रभु कहे यह उत्तम आगे कहा। बोले इसको क्या बताया, इसको बताया ये उत्तम है, ये उत्तम है। अभी तक उन्होंने सख्य रस और पात्सल्य रस को उन्होंने उत्तम बताया, यदि उत्तम है क्यों, जहाँ पर भगवान इतने वसीभूत हो जाते हैं, सखा बन जाते हैं और पात्सल्य रस आस्वादन करते हैं और छोटे व्यक्ति को भी शासन को स्वीकार करते हैं, हमको सेवा को सीखा, उसको हमने उत्तम बताए। फिर उसके बाद बोले आगे कहा, आग जब बताए राय कहे कांत तो भाव प्रेम सार के साथ। फिर उन्होंने गोपियों की जो भाव का कांत तो भाव को उन्होंने कहते प्रेम साध्य सार, तो साध्य का जो सार है उन्होंने ये कांत तो भाव बताए। इसलिए कल इसका हम कथा सुनेंगे कांत भाव क्यों सर्वश्रेष्ठ है। अभी हमारे रामचंद्र गुरु जी आपको थोड़ी सी इस विषय पर बता रहे हैं। श्री रामचंद्र पिताजी खेलते हैं बच्चे के साथ, माता खेलती है बच्चे के साथ, कभी उसके काल पर ऐसे ऐसे करते हैं, मजा कौन लेता है? इस सारी प्रक्रिया में किसको मजा आता है, बच्चे को या बच्चे के माँ बाप को? कोई नहीं चाहिए। बच्चा तो बेचारा मुसीबत में, उसको हम किस करते हैं, ये करते हैं, ये क्या प्रॉब्लम है, उसका काल खींचते हैं, मजा कौन लेता है? माँ बाप लेते हैं। बच्चा बच्चा जो भी आता है, बच्चे को आनंद नहीं आता। लेकिन ये दुनिया में से दुनिया का प्रतिबिंब है, इसको उल्टा कर दो। उल्टा क्या है, वहां पे कृष्ण बच्चे हैं, नंद बाबा और यशोदा पड़े हैं, तो नंद बाबा और यशोदा का वात्सल्य भाव का स्वाद कौन लेता है? वो कृष्ण लेता है। संसार में बच्चा नहीं लेता स्वाद, माँ बाप लेते हैं स्वाद। वहां पे क्या है, माँ बाप के वात्सल्य प्रेम का रस का स्वाद कौन लेता है? कृष्ण। करवट नहीं बदली। अब देखो भगवान को करवट बदलने की जरूरत इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरी भैया मेरा करवट बदलेगी। इस क्रिया का आनंद कौन ले रहा है? कृष्ण।
उसी तरह से कृष्ण सखे सखाओं के सखे रस का स्वाद कर लेते हैं। कैसे लेते हैं? उनका झूठा खाकर, माता पिता के वात्सल्य रस का स्वाद लेते हैं। कैसे लेते हैं? उनका प्रेम पाकर। माँ यशोदा उनके कानों में देती हैं, इसका भी स्वाद लेते हैं। उसको थप्पड़ दिखाती हैं या मार भी देती हैं, इसका भी वो क्या लेते हैं? स्वाद लेते हैं। तो ये सारी की सारी जितनी भी भक्तों की सेवाएं हैं, इन सेवाओं को भगवान टेस्ट करते हैं। इसलिए कहते हैं अस्वादन। इन लीलाओं में खूबी क्या है? अस्वादन। स्वाद कौन ले रहा है? भगवान। भगवान को जब स्वाद आता है, भगवान को जब टेस्ट आता है, भगवान को जब रस आता है और उससे वो प्रफुल्लित और आनंदित होते हैं, वो वाला आनंद वो भक्तों में स्प्रिंकल। तो भक्त लोग रिटर्निंग गिफ्ट लेते हैं, रिटर्निंग आनंद लेते हैं, डायरेक्ट नहीं लेते। जब डायरेक्ट आनंद लिया जाए उसे कहते हैं भोग और एंजॉयमेंट। जो सेवा करके सेवे को सुखी करके और उसके सुख से सुखी हुआ जाए, ये कौन सा आनंद है? ये रिटर्निंग गिफ्ट। भक्त लोग उसका आनंद लेते हैं। ठीक है। और प्रेमानंद। Gracias.